नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बरबरी कोचिंग में। आज जो हम देखेंगे, आज हम हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बसने वाली पहली जनजाति कौन थी और किस तरह हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी बनते हैं, और पूरा का पूरा इतिहास जहाँ से हमारे मन में जो भी प्रश्न आएंगे आपको उसके सारे जवाब आपके सामने ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो कॉपी पेन लेके ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, देखिए प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास हिमाचल प्रदेश का देखो, अगर हम दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश की, पहले किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि हिमाचल प्रदेश भी कोई प्रदेश था या भारत भी कोई देश था, मतलब इस तरह का कोई थॉट था नहीं। लेकिन फिर किस तरह से हम ये बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है एक, उसका हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। लेकिन अब तो हमें पता है कि ये हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। इस तरह से मैं कुछ हिमाचल प्रदेश का अच्छा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। तो अब तो हम जान सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश है। अब हम पुरानी चीज़ों को कोरिलेट करके अब इन चीज़ों को हम लिंक करेंगे भारत के साथ कि ये संभावना हो सकती है, और ये जो संभावना है ये मोस्ट ऑफ दी सही है, क्योंकि मैंने 3-4 बुक्स से मटेरियल उठाया और मैंने मिलाया और देखा मैंने कि हर बुक्स में यही सेम चीज़ लिखी हुई है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इतिहास की बात करूँ, हालांकि ये जो भारत का प्राचीन इतिहास है इसके लिए तो काफ़ी समय लग जाएगा, हालांकि जो हिमाचल का प्राचीन इतिहास है इसकी भी दोस्तों आपकी 2 से लेकर 3 वीडियोज आएंगी, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो ही आपको 2-2 घंटे की बना दूं तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसी चीज़ को 2 घंटे तक पढ़ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है 2 घंटे तक सिटिंग करना, वो भी एक ही टॉपिक के लिए। तो वो चीज़ मैं भी आपके लिए समझ सकता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए 2 से 3 क्लासेज आएंगी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश में हम सोचते हैं या मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहले कोई व्यक्ति रहते होंगे या कोई जनजाति रहती होगी, उनसे शुरू करते हैं, बाकी धीरे धीरे आपके डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। और दोस्तों अगर कोई आपको दिक्कत कहीं पर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, और एक चीज और, अगर आपको लगता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश के आपको रेगुलर क्वेश्चन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जो मेरा अकाउंट का नेम है वो भी बरबरी कोचिंग ही है, तो आप उसमें जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं डेली के डेली क्वेश्चंस डालता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश का मैं आपको बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी, यानी कि प्राचीन समय में जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम भारत का अगर इतिहास पढ़े, भारत का इतिहास दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण इसी में आपकी हड़प्पा सभ्यता आती है, इसी में आपका बुद्ध आता है, इसी में आपका जैन आता है ना। यहां पे चलता है आपका 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण चलता है आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक, और ये चलता है आपका 6,000 ईसा पूर्व के बाद, 6,000 ईसा पूर्व के बाद चलेगा। उसके बाद आ जाता है आपका वैदिक काल दोस्तों, वैदिक काल। वैदिक काल को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड, ये मैं भारत का लिंक करूंगा भी इसके साथ है, देखते जाना। वैदिक काल, वैदिक काल भी है आपका 1600, 6000 से यहां तक 1600 ही लिख दो सीधे, आपसे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 1600 BC से चलेगा दोस्तों, ये आपका वैदिक काल बता रहा हूं मैं पूरा का पूरा, 1600 से चलेगा ये, इसे मान लीजिए आप 563 ईसा पूर्व के आसपास, इतना मान लीजिए। अब इसमें भी आपके 2 कार्यकाल आएंगे वैदिक काल में भी, एक आएगा ऋग्वैदिक और दूसरा आएगा आपका दोस्तों उत्तर वैदिक, एक आएगा ऋग्वैदिक और एक आएगा उत्तर वैदिक। जो ऋग्वैदिक आएगा दोस्तों वो आएगा 1600 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक आएगा दोस्तों 1000 से लेके 563 ईसा पूर्व तक।
अब हम जो हिमाचल प्रदेश का कार्यकाल देखेंगे, हम देखेंगे ऋग वैदिक काल के समय, क्योंकि पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर। पहली बात तो ये, मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है ना। यहाँ पे तो हम इतना कोई सोर्स मिलता ही नहीं है हिमाचल प्रदेश के बारे में कि हम पढ़े। मध्य पाषाण में भी हमें नहीं मिलता है, हड़प्पा में थोड़ा हल्का हल्का सा हिमाचल प्रदेश के बारे में हम जानते हैं। तो मतलब मेन जो हमारे पास जो अच्छी चीज हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ने लायक मिलती है, वो मिलती है वैदिक काल में। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप थोड़ा सा जिक्र इसका कर दें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेके आऊंगा। तो अब देखो, वैदिक काल में, वैदिक काल का समय है भारत का ये, तो इसी चीज को हम यहीं पर उतारेंगे। अब तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी जो बताया गया है, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं आपके कोल, किन्नर, नाग, भूंड, दास, दस्यु। लिखिए दोस्तों, कोल, किन्नर, दास, दस्यु, भूंड, इस तरह से दोस्तों, है ना। अब देखो, इन्हें माना जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं, कि जब हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में पता चलता है तो ये ही वो व्यक्ति थे जो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पाए गए, सबसे पहले यही व्यक्ति पाए गए। इसमें भी अलग अलग मिथ है, अलग अलग मान्यता है लोगों की, कि कोई कहते हैं कि सबसे पहले जो आपके रहते थे वो दास और दस्यु ही रहते थे। कोई बोलते हैं कि जो पहले मैंने आपको बता दिया, नंबर वन पे बोलते हैं कि दास दस्यु रहते थे। दूसरे पे बोलते हैं कि जो दूसरी जनजाति आपकी भारत में रहने वाली बनी वो आपकी भोटौर किरात बनी, भोटौर किरात, भोटौर किरात आपकी दूसरी बनती है। और तीसरी जो आपकी बनती है वो बनती है आपकी आर्य या खस, आर्य या खस। अब यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों ये वाली चीज हमारे लिए। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये आर्य या खस कौन थे? दास दस्यु ये तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी जो रह रहे थे, भोट किरात तो वो भी वही थे, लेकिन ये आर्य और खस कौन थे, ये कहाँ से आए, इनसे क्या, सारा प्रश्न सारा खेलने का ये ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में जो चीज हम देखेंगे वो हम आर्य और खस के बिना नहीं देख सकते दोस्तों। सबसे पहले तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग फैक्ट दिए। कईयों ने कहा कि आर्य जो है साउथ पोल या नॉर्थ पोल से आए, कईयों ने कहा तिब्बत से आए, कईयों ने कहा मध्य एशिया से आए, लेकिन जो इसका सबसे जरूरी फैक्ट बनता है वो बोलते हैं कि मध्य एशिया से आए। देखो भी क्लियर करते हैं इस चीज को भी, मुझे उम्मीद है ये चीज तो आपको समझ आई गई होगी। इस चीज को मैं रख कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। हाँ, और अगर कई दोस्त जिन्हें हिंदी में दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझे बता दें, तो मैं हल्का हल्का इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता रहूंगा साथ साथ में, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में दोस्तों। तो अब देखिए, मध्य एशिया मतलब सेंटर ऑफ एशिया, आर्य या खस। अब अगर हम हल्का हल्का सा मैप बनाए, रफ सा स्केच बनाए भारत का, ताकि आपको समझने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, भारत का हिमाचल का जहां से वो आए होंगे, मान लेते हैं मतलब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के साथ ही आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ ही आपका हिमाचल प्रदेश लगता है, हिमाचल प्रदेश के साथ ही दोस्तों आपका पंजाब लगता है। और दोस्तों, बैकग्राउंड के लिए मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा, आपके लिए थोड़ा सा कष्ट है, आप मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड यूनाइटेड किंगडम मत सोच लीजिए, उत्तराखंड है ये। और यहीं पे उत्तराखंड और इसी के साथ में इधर कर लीजिए आप हरियाणा, हरियाणा तो हो गए, एक दो तीन चार और मेरे पास अभी, ठीक है, ये तो नेपाल आ गया, ये नेपाल आ गया, इसे रहने दो, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों, इंडिया में देना जरा, तो अगर मैं मान के चलूं इस तरह से, अगर मैं इस तरह से मान के चलूं, देखो दोस्तों, अगर मैं मान के चलूं, जरा मैप गंदा हो गया यहाँ पे, देखो जरा। अब देखो दोस्तों, अगर मैं भारत का मैप आपके सामने रखता हूँ तो आप भारत के मैप को देख लो जरा, है ना, तो उम्मीद है मुझे दिख रहा होगा आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपका जम्मू कश्मीर बन गया, ये हिमाचल, ये पंजाब, ये हरियाणा, उत्तराखंड, रफ मैप मैंने भी बना दिया। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, ये जो है इसके ऊपर साइड आपका मध्य एशिया दोस्तों, वर्ल्ड मैप में भी आपको मैं दिखाई दूंगा।
अब यहां से मान लेते हैं कोई आता है, कोई व्यक्ति आया, हमें नहीं पता कौन आया, तो मोस्ट ऑफ द चांस है अगर वो कहीं से भी आ रहे हैं, अगर मान लो यहाँ से आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर आएंगे तब भी बीच में हिमाचल है, अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं पंजाब से तब भी इधर आएंगे, अगर चीन से होते आएंगे तब भी हिमाचल, मतलब मोस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश आएंगे। यहाँ तो आपको पता लग गया, थोड़ा सा मैं आपको वर्ल्ड मैप में भी दिखाई देता हूँ दोस्तों, अगर वर्ल्ड मैप देखो दोस्तों, वर्ल्ड मैप में भी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि वर्ल्ड मैप में आप किस तरह देख पाएंगे कि देखो दोस्तों ये हमारा भारत है, यहाँ पे हमारा प्यारा देश भारत यहाँ पे, और ये जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है ये आप देख पा रहे हो एशिया है, देखो ये आपका पूरा का पूरा देश कॉन्टिनेंट एशिया है, यहाँ पे यहाँ से हुआ है ये बात कही आपकी मैक्स मूलर ने, एक व्यक्ति थे उन व्यक्ति का नाम था मैक्स मूलर, उन्होंने दोस्तों ये बात कही, उन्होंने ऐसा बोला कि जो आपके आर्य आए या जो आपके खस आए ये मध्य एशिया से है, ये बात कही आपकी मैक्स मूलर ने। तो ऐसे ही कई और व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से कई बातें कही, तो अब आपको यहां से पता लग ही गया कि यहां से आर्य आते हैं, आर्य आए कहां से आए मध्य एशिया से, ये बात किसने कही दोस्तों, मैक्स मूलर एक व्यक्ति था उन्होंने। और यही बात सबसे अच्छी साबित भी होती है दोस्तों कि मैक्स मूलर ने बात करी मध्य एशिया से आए तभी वो यहीं पे आएंगे, और मोस्ट ऑफ द रीजन है कि अगर वो यहाँ से भी पाकिस्तान से होते हुए भी आते हैं तभी हिमाचल प्रदेश, अगर जम्मू कश्मीर से होते हुए तब भी इधर आएंगे, और इधर से आएंगे तब भी, अगर नीचे से आएंगे तब भी, मतलब हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो हिमाचल प्रदेश में ही आए, मेरा बोलने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में भी आए होंगे, आए तो वो सारी जगह, क्योंकि उत्तराखंड से नहीं आए, हरियाणा से नहीं आए, पंजाब से नहीं आए, मतलब आए वो हिमाचल प्रदेश में भी, ये बोलने का मेरा तात्पर्य है। तो मतलब तीसरी जनजाति जो हिमाचल प्रदेश में बसने वाली बनती है दोस्तों, वो बनती है आपकी आर्य और खस, ये बात मैं आपको दोस्तों समझाना चाहता हूँ यहाँ। अब देखो दोस्तों मैंने आपको दूसरे ये चीज तो आपको आर्य का तो मैंने बता दिया, जो बोट और किरात थे ये दूसरी जनजाति बनी, ये कहाँ से आई, ठीक है, तो ये जो दूसरी जनजाति बोट और किराता है इन्हें कई बार मंगोलाइड भी कहा जाता है, मंगोलाइड कहा जाता है, मंगोलाइड मतलब ये मंगोलिया से आए। अब मंगोलिया आप देखोगे जो भारत है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे चीन है, चीन के साथ में यहाँ पे मंगोलिया है ना, तो यहाँ से इन्होंने कहा कि बोट और किरात से जो आते हैं आपके मंगोलिया से आती है मंगोलाइड, ये बोटर की जाती है आपकी दूसरी जनजाति बन जाती है। अब सबसे पहला प्रश्न आपका क्या बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि सेक्टेट में ये दोस्तों प्रश्न आ चुका है कि आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए, सिंपल प्रश्न है। अब देखिए अब मैं इसे रफ कर देता हूँ फिर से, अब हम पूरा विस्तार से देखेंगे कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन बनेंगे और आगे आगे हम करते जाएंगे दोस्तों। अगर आप इसके नोट्स बना देंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का इतिहास समझना, और ये कई बार पेपरों में आ चुका है। कुछ सीधे सीधे प्रश्न जो दोस्तों मैं आपको लिखा रहा हूं, ये जो जरूरी बनता है ये बनता है आर्य, ये आर्य कौन थे, कहां से आए, क्या करते थे, क्या काम था, क्या नहीं था। सबसे पहले ये आर्य आए, और जब ये आर्य आए तो इन्होंने की ऋग्वेद की स्थापना, ये आर्य कहते हैं कि ऋग्वेद की जो स्थापना की गई है वो आर्यों के द्वारा की गई है, और ये जो आर्य हैं ये बोलते हैं कि हम जो हैं सबसे श्रेष्ठ हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं, आर्य के कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ हम हैं, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं ये आर्य, है ना। और इन आर्यों का एक प्रसिद्ध कबीला था, उस कबीले को बोलते थे ये भरत, इनका एक प्रसिद्ध कबीला था जिसे ये भरत कहते थे। आ सकता है दोस्तों आपको प्रश्न कि भरत क्या है, ये आर्यों का एक प्रसिद्ध कबीला था, और बोलते हैं कि जो सबसे पहले जो भाषा बोली गई है वो आर्यों के द्वारा ही बोली गई है दोस्तों, संस्कृत भाषा, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है संस्कृत भाषा जो है सबसे अच्छी भाषा है ना, तो संस्कृत भाषा जो बनाई गई है या डिस्कवर की गई वो आर्यों के द्वारा, आर्य कहाँ से है, मध्य एशिया से है।
और बोला जाता है कि ये जो आर्य थे इनकी पहचान कैसे होती थी, इनकी जो आंखें होती थी, इनकी जो आंखें होती थी वो नीले कलर की होती थी, गाढ़ी नीले, जैसे अंग्रेजों की होती है ना दोस्तों नीली कलर की, उस तरह की इनकी आंखें होती थी, काफी गोरे लोग होते थे ये, है ना। तो इस तरह से हम आर्यों का पता लगा सकते हैं कि ये आर्य वो थे। देखो पहले मैंने आपको इधर आपके सामने आप रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं, जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी पीछे जैसे बताया कि मैंने आपके लिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल बताया, उसके बाद जैसे हम आगे आगे चलते जाते हैं तो हमारा वैदिक काल आता है, उसमें हम ऋग वैदिक काल देखते हैं। तो दोस्तों जो ऋग वैदिक काल था उस समय आर्य आते हैं और आर्य जो है ऋग्वेद की स्थापना करते हैं। जब आर्य वहां पर रहते हैं ना दोस्तों ऋग वैदिक काल में, अब दोस्तों देखो ऋग वैदिक काल में आर्य हमारे सामने वहां पर रह रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कोई व्यक्ति हैं और आप किसी अलग कंट्री या किसी अलग जगह जा रहे हैं, तो पहले दोस्तों आपको वहां पे जाके उस चीज को समझना पड़ेगा कि आप किसी और जगह जा रहे हैं तो वहां पे स्थिति कैसी है, वहां पे लोग कैसे हैं। तो उस समय जिस समय आर्य आए तो ये अपना जीवन अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। अगर ये अपना जीवन अस्थायी व्यतीत करेंगे तो इनका असली धन क्या होगा दोस्तों, गाय पशु, गाय जानवर, इन शॉर्ट जानवर। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल शुरू होता है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल शुरू होता है बाद में उत्तर वैदिक काल में, तो ये अपना जीवन क्या करते हैं, स्थायी जीवन, जो मैंने आपको बताया था 1600 से 1000 मतलब 1000 ईस्वी के बाद, 1000 ईसा पूर्व के बाद, तो स्थायी जीवन, तब ये कृषि को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये चीज तो बात की है, पहले आप इस चीज को देख लीजिए, ये तो मतलब ये अस्थायी जीवन, तभी मैंने आपको बोला कि हिमाचल प्रदेश गया है क्योंकि अपना स्थायी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश में भी इनका कुछ वर्णन मिलता है, उस वर्णन को हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। ये था मेरा आज का मेन टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता था। अब शुरू करते हैं आर्य से ही। ये आर्य जो थे अपने आप को बोलते थे कि हम जो है खश या खशिये हैं, खश कहते हैं अपने आप को, खशिये भी कहते हैं, ये अपने आप को खश, ये अपने आप को खश कहते हैं या खशिये कहते हैं, मतलब अपने आप को इन्होंने इस तरह से बोला कि ये सबसे श्रेष्ठ हैं, तो ये कुछ भी मतलब बोलते थे। जो इन खशों का एक सरदार होता था, मतलब जो इनका एक मेन व्यक्ति होता था उसको कहते थे ये मवाना, जो खशों का सरदार होता था। इधर पॉइंट बना के लिखता हूं दोस्तों, खश का जो सरदार होता है उसे बोलते हैं ये मवाना। देखो दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा काम कर सकते हैं। अगर कोई आपके दोस्त जो हिमाचल प्रदेश से है या जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है भारत से या हिमाचल प्रदेश से, तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो हम आपके लिए ये चीज़ जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप भी हमारे लिए ये चीज़ कर सकते हो ताकि हम इसी तरह से मोटिवेटेड रहें, ताकि हमें इसी तरह से थोड़ा बूस्टअप मिलता रहे कि देखो ग्रोथ मिल रही है। अगर दोस्तों अगर किसी चीज़ में हमें ग्रोथ ना मिले तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिलती है, तो इसीलिए ना दोस्तों। तो और लिखिए इसके बारे में कुछ। तो इसी ऋग्वेद में हमें एक युद्ध का पता चलता है दोस्तों, दशराज्ञ युद्ध। दशराज्ञ युद्ध, इस दशराज्ञ युद्ध से ही हमें दोस्तों पता चलता है हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो मेन जो टॉपिक हमारा चलेगा वो है दशराज्ञ युद्ध, है ना दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपकी प्राचीन इतिहास का पार्ट वन। मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे दोस्तों, तभी मैं आपके लिए छोटा सा पार्ट लेके आया हूँ। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो सेकंड पार्ट को ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को भी बताना, क्योंकि जो टॉपिक है ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो जड़ है हिमाचल प्रदेश की वो यही है। अगर आप ये चीज़ समझ आओगे ना तो आपको कोई नहीं ला सकता दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज के लिए हमारा टॉपिक, हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे और ये चैनल आपको अच्छा लगे और अगर मैं आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को बताएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हो तो आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों जिस जगह हम रह रहे हैं हमें उस जगह का इतिहास पता होना चाहिए। तो इसी तरह से दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी ज़रूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।